हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडे त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को SEO का ऐसा टिप्स दूंगा जिसके माध्यम से आपकी वेबसाइट काफ़ी दिन से अगर आप SEO कर रहे हैं और वो रैंक पे नहीं आ पा रहा है तो हमारा ये टिप्स जरूर काम आएगा, 100% काम आएगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, अगर आप SEO कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगा है कि नहीं, यानी कि आपकी वेबसाइट HTTP से खुलता है या फिर HTTPS से खुलता है। तो गूगल का जो अभी जो नियम आया है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने वेबसाइट में जरूर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करवाइए, यानी आप अपने वेबसाइट को HTTP से HTTPS में मूव हो जाइए। आपकी वेबसाइट अगर दूसरे पेज पे आ रहा था तो पहले पेज पे आ जाएगा। आप जरूर देख लीजिएगा, दो दिन बस आप टाइम दीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद, तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी। क्योंकि मैं 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूं और मैं इस अनुभव को अपना चुका हूं। मेरी वेबसाइट जो चौथे पेज पे थी वो दूसरे पेज पे आ गई। तो आप अपने वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट जरूर इंस्टॉल करिए, अगर नहीं इंस्टॉल किए हैं तो। दूसरी चीज है कि आप अपने वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर से जरूर वेरीफाई करवाइए, क्योंकि आपके वेबसाइट का इंफॉर्मेशन गूगल के पास जरूर होना चाहिए। क्योंकि गूगल के जो भी रोबोट्स होते हैं, जो उनके क्रॉलर होते हैं, वो आपके वेबसाइट पे आते हैं और उसके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, फिर अपने पास वो कलेक्ट करते हैं। तो आपको अपने वेबसाइट में गूगल वेब मास्टर टूल में अगर अभी तक आपने वेरीफाई नहीं किया है तो काफ़ी आसान होता है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरा गूगल वेब मास्टर टूल पे 5-7 वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप सर्च कर सकते हैं, गूगल वेब मास्टर टूल मार्कंडे त्रिपाठी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप गूगल प्लेनर का यूज करिए, जिसमें आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा, उस कीवर्ड को अपने वेबसाइट में इंसर्ट करिए, जिसके माध्यम से आपकी वेबसाइट जल्दी से ग्रोथ करेगा। और ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जो काफ़ी कॉम्पिटेटिव कीवर्ड होगा उसको बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटेटिव कीवर्ड बहुत जल्दी टॉप पे नहीं आता है और आप SEO करते रह जाएंगे और आपकी वेबसाइट ग्रो नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति डीमोटिवेट हो सकता है। तो जिस पे कंपटीशन कम है पहले उसको हम टॉप पे लाएं, तो पहले उसको गूगल पे लाएं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किस्म वाली वेबसाइट डेवलपमेंट है तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी सर्च करने पे तो नहीं आएगा जल्दी, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन गोरखपुर, इन उत्तर प्रदेश, इन जहाँ पे भी आप काम करते हैं उसको यूज करिए, जल्दी से जल्दी आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। तो ये भी एक टिप्स है, उसको आप यूज करिए। जिस कीवर्ड पे आप फोकस कर रहे हैं उस कीवर्ड का यूज आपको टाइटल में जरूर देना चाहिए। जैसे कि आपके सामने एक डिस्प्ले हो रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं वहां पे वेबसाइट डेवलपमेंट जहां पे वो हाईलाइट है, इसलिए हाईलाइट है क्योंकि जो हमने वर्ड किया है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, तो जो हम टाइटल में जो कीवर्ड यूज करेंगे उसी कीवर्ड को मुझे डिस्क्रिप्शन में एक या दो बार जरूर यूज करना चाहिए। और टाइटल का जो मैंने मानक बताया, हमारा SEO का बहुत सारे वीडियोज हैं, आप जाके देखिए, उतना ही टाइटल होना चाहिए, उतना ही डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, बहुत लंबा आपको टाइटल नहीं लिखना है और आपको कीवर्ड जरूर प्लेस करना चाहिए। चौथा एक हम टूल बता रहे हैं, ऊ रैंक एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है, जहां पे फ्री में आपके वेबसाइट को बताता है कि कितना परसेंट SEO कैपेबल आपकी वेबसाइट है। दूसरा चीज़ बताता है कि आपने टाइटल जो यूज किया है सही यूज किया है कि नहीं यूज किया है, डिस्क्रिप्शन आपने यूज किया है कि सही किया है कि नहीं किया है, यानी कि कितने बैकलिंक हैं, कितने विजिटर हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहां से एनालाइज करने को मिल जाएगा। जो कमी होगा उसको आप अपने वेबसाइट से रिमूव कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऊ रैंक।
रैंक इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू SEO। मैं तो उसका यूज करता हूँ और किसी की वेबसाइट को भी मैं वहां से टूल से चेक कर लेता हूँ कि इनकी वेबसाइट पे SEO में क्या क्या प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊ रैंक से आप बहुत अच्छे से आप उस पर काम कर पाएंगे और आप अपने वेबसाइट में robot.txt गूगल का जो XML साइट मैप है उसको जरूर अपलोड करिए। इतना काम करने के बाद आप जरूर देखिएगा कि आपकी वेबसाइट एक हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।